जी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत है भाई। क्या मसला आपका बना हुआ है? मेरा मसला है भाजी, अभी माना वाले पर थे काम कर रहे थे, तो वो थे बाहर ने मानो गैस नो कर लिया है मेरे बच्चियां ने, तो मैं उसे निकल आईगा, बच्चियां मेरी उसके साथ, चार मेरी बच्चियां हैं, चार मेरे बच्चियां, पता नहीं बच्चियां का मुझे पता कितने रह रहे हैं, बच्चियां का कोई पता नहीं कितने रह रहे, पता नहीं मर गए या तो है गए। मेरी ये अपील है सारे अपने पाकिस्तान वाले लोगों वास्ते, मेरी इमदाद करो, मेरे बच्चे मेरे लाके दे दो। अच्छा, जिस भट्टे पर आप रहते थे उसके मालिक का क्या नाम है? उसका नाम कुरबान है। कुरबान, ये कौन सी जगह पर भट्टा है? छोटे माना वाले या फैसलाबाद। अच्छा, आपको अपने बेटों के साथ बंद किया हुआ था या बेटियों के साथ उसने बंद किया? बेटे ज्यादा बंद किए, सानू ज्यादा किया सी, मैं तो चोरी कोठियां तो नाच नूच के तो फिर आई हूं, तो बच्चे उठ लिया जी। जिस जगह पर आपको उन्होंने छुपा कर रखा था, बंद किया हुआ था, वो घर कहाँ पर है पता उसका? अगर आपके साथ मीडिया की सारी टीमें जाएं या महकमा पुलिस जाता है तो आप क्या उस घर की निशानदेही कर सकते हैं? मैं दिखा सकती हूं। अच्छा, उस घर के जब आप वहाँ से फरार हुए तो उसके घर के ऊपर खारदार तारे वगैरह तो नहीं, बिजली की तारे तो नहीं थे? ये कितने दिनों से आपका उसने बच्चों को अगवा करके रखा? जिस औरत की यही पकार है कि मुझे आला काम से इंसाफ दिलाया जाए, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं, IG पंजाब है, इसी तरह वजीर आजम साहब हैं और वजीर आला साहब हैं, इनसे अपील कर रही है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरे बच्चों को बाजियाब करवाया जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो शख्स जो है मेरे बच्चों को कत्ल कर दे। तो बहन, उसने आपके ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस को पकड़ाया तो नहीं आपने इसको? नहीं भाई, ऐसी नहीं पकड़ाया ना, उन्हें पाकिस्तानी पकड़ाया, बाकी बंद की वो आपको धमकियां देता है? धमकियां देता तो अगर पुलिस वाले कर जी, इनको वो धमकियां भी देता है कि अगर आपने भागने की कोशिश की तो मैं आपके ऊपर जेली FIR करवा के आपके शोहर और आपके बच्चों को डकैतियों और डकैतियों जैसे संगीन नतीजे में मुलव्वस करके जेल भेज दूंगा।